ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਨਮਸਤੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਨਾ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟਡ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕਈ ਫਰੈਂਡਸ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸਤਾ ਰੈਸਪੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਮੈਕਰੋਨੀ ਪਾਸਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਰੈਸਪੀ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੈਸਪੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਚਲੀਏ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਚਲੋ मेरे नाल नाल देखो तुसी भी इंजॉय करो वीडियो नू अगर वीडियो चंगी लगे तो लाइक ते शेयर कर दियो और जेडे मेरे चैनल ते न्यू है वो मेरे चैनल नू सब्सक्राइब जरूर कर दियो तो चलो जी बनाने हैं असीं मैकरोनी ते देखो किद्दां बनदी है। सब तो पहला असीं लवांगे पानी पानी थोड़ा वड्डा पतीला है इहदे विच मैं अद्धा कप पतीला पानी ले लिया है जिहदे ते चंगी तरह मतलब इच डुब जाणगे और ये असी मैकरोनी ले ली है इस तरह की ये असी पहला धो लीए क्योंकि तुम्हें पता डस्ट पे हुंदी चीज़ा ते पहला इन असी चंगी तरह सिंपल पानी से भी असी इन साफ कर लिया धो लिया है तो हुण बस पानी जो गर्म होने वाला हो जाए बस आ देखो बुलबुले आ गए हुण असी इन इहदे विच पा देंगे हुण असी इन विच पा देंगे पानी साडा बिल्कुल गर्म हो गया है हमें इस पावे असी थोड़ा जहा नमक थोड़ा जहा पावे असी पावे तेल थोड़ा जहा रिफाइंड ऑयल भी पा सकते पर मैं सरों का ही पाया थोड़ा जहा हूँ ये साढ़े तैयार हो गई पक गई हैं तो हूँ असी इनू छाननी पा के छान लाँगे तो ठंडे पानी चो कढ़ांगे ठंडे पानी नाल भी कढ़ लाँगे तो चिपकणगियां नहीं वैसे तेल भी असी पाया होया तो हुण असी इनू ड्रेन कर लैने फिर तुहानू दिखानी आ मैं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ ਸੀ ਜੀਰਾ ਪਿਆਜ਼ ਪਾ ਲਾਂਗੇ ਪਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਾਊਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਲੱਗ ਜਾਏ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਪਿਆਜ਼ ਭੁੰਨ ਲਿਆ ਹੈ हुण पावांगे असीं शिमला मिर्च नाल ही पा देंगे हरी मिर्च तकरीबन सारिआं नूं आउंदी है बनाउणी बट मैनूं बहुत रिक्वेस्ट आ रही सी कि मैं तुहाडे नाल शेयर करती है मैं किद्दां बनाउंदी आ बहुत पसंद करदे आ घर साडे बच्चे बहुत पसंद करदे आ मैं नाल नाल तुहानू दस्सी जाऊंगी केड़ी केड़ी असी चीज़ां पाईआं विच जिदा असी प्याज पाया हरी मिर्च पाती है शिमला मिर्च पाती है तुसी घट वध कर सकदे हो हुण असी इहदे विच पा देंगे कश्मीरी देगी मिर्च ये ज़्यादा कौड़ी नहीं है इहना कलर बहुत सोहना आएगा वधिया लगेगा ते नाल थोड़ा जिहा पा दूंगी किचन किंग मसाला तुसी चना मसाला जिहड़ा भी मसाला तुहाडे घर है तुसी पा सकदे हो बहुत वधिया टेस्ट आएगा ये छोटे चम्मच करके अद्धा अद्धा चम्मच ते थोड़ा जिहा नमक क्योंकि असी पहला भी पाया है असी पहला पा चुके हैं इहदे विच इहनां नूं हुण असी चंगी तरह मिक्स कर लांगे क्योंकि ये सब्जियां थोड़ी असी ना क्रंची रखनी है ज़्यादा असी इहनां नूं पकावांगे नहीं तकरीबन पक चुकियां हैं
हूँ ये जान के टमाटर टमाटर की तुम प्यूरी भी कर सकते हो, मतलब इनू तुम मिक्सी पी भी सकते हो, पर ऐसे मैश हो जाएंगे। तो हम मैं थानू दसूँगी इस तो बाद एक होर ऐसी चीज़ पावे जाना पास्ता, साडा मैकरोनी पास्ता बहुत वधिया बनूगा। अगर तुसी बिल्कुल पंजाबी स्टाइल बनाना चाहते हो फिर बस जीरे का तड़का लगा के तो नाल ही हुण असी मैकरोनी पा सकते हैं, पर मैं थोड़ा जिहा डिफरेंट बनाने हैं। शुरू तो ही असी इदां खाने हैं, बच्चे पसंद करते हैं। हुण बस सब्जियां दो मिनट तक मैं इन्हां नूं टमाटर नूं पका लूँगी, क्योंकि हजे साडी जिहड़ी शिमला मिर्च है ना हजे बहुत ज़्यादा पक्की नहीं है, कच्ची है, पर इह तकरीबन एक अद्धा मिनट पका लाँगे ज़्यादा तो ज़्यादा। हुण साडियां सब्जियां जो है पक चुकी हैं, इहदे विच पावांगी मैं दो चम्मच मैदा और मैदे नाल असीं बनावांगी ग्रेवी। तो अगे भी तुसीं देखदे रहो, हुण इहनूं असीं चंगी तरह भुन लाँगे तो साडा मैदा जिहड़ा है कच्चा ना रह जाए, तो इसनूं चंगी तरह भुन लाँगे, चंगी तरह पका लाँगे इहनूं असीं। तो ये क्रीमी क्रीमी जिहड़ी है साडी मैकरोनी बनेगी। तो हुण इहदे विच पावांगे असीं दुध, एक कच का गिलास है, ये मतलब स्टील का एक अद्धा गिलास है, अद्धा गिलास। देखो कितनी बढ़िया ग्रेवी बनेगी, ये कितना प्यारा कलर लगता पे इहदा। ये साडा जो है ग्रेवी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, ज़्यादा इस तो ज़्यादा असीं इहनूं थिक नहीं कर सकते हैं, संघनी नहीं कर सकते हैं। हम पा के असी मैकरोनी, हम तकरीबन साड़ी मैकरोनी है जी तैयार है जी, बस इन्हों सिर्फ दो मिनट होर पकावे। जी अंदर जी ग्रेवी से ना ये अंदर तक जाऊगी, डिश नूं कंप्लीट करने वास्ते हुण पावांगे असीं घर की बनी हुई मलाई, फ्रैश मलाई। तो इहदे नाल साडी डिश जिहड़ी है कंप्लीट हो जाएगी मैकरोनी की। तुसीं हुण इहनूं सॉस नाल खा सकते हो, तुहाडा अगर दिल करदा है सॉस नाल खा सकते हो, बहुत टेस्टी लगती है, तुसीं भी इंजॉय करो। इस तरह हुण बन गई है साडी। जूसी जूसी तो टेस्टी बिल्कुल वधिया बन गई है, बहुत टेस्टी बनती है, इदा ग्रेवी वाली बहुत टेस्टी बनती, ग्रेवी भी नहीं रहनी है पर थोड़ा खाने में बहुत वधिया लगनी, क्रीमी क्रीमी होएगी सारी। तो तुम जरूर ट्राई करो अगर तुम न्यू हो, कभी मैकरोनी इदा नहीं बनाई है, मैं जिदा बनानी मैं तुहानू शेयर करती है। चलो हुण असीं इहनूं पावांगे प्लेट च। हुण असीं इहदी कर दांगे प्लेटिंग, प्लेटिंग बिल्कुल सिंपल है, तुसी जिहदे विच खाना चाहते हो चकड़ लो। तो हुण तुसी इहनूं टमैटो सॉस नाल इंजॉय कर सकते हो, देखो कितना प्यारा कलर आया है, वेजिटेबल्स का कितना वधिया कलर आया है, बिल्कुल क्रीमी और टेस्टी बनी है। हुण असी इहनूं ट्राई करते हैं, बहुत बार खाधी है पर बहुत टेस्टी, बहुत वधिया बनी है, आप ही बनाई है, आप ही खा रही हैं, बच्चों ने भी टेस्ट की है, बहुत टेस्टी बनी है, तुसी भी खा लो, फिर ना जो पुछया नहीं तुसी भी खाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो च, बाय बाय, टेक केयर।